इस पे छोटी सी वीडियो बन रही है आपकी। बन गया? हाँ हो गया। इसलिए हम धीरे 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 जो हम लोग हिंदू लोग है, भारतीय लोग है, अपना संस्कृति को धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजियों का संस्कृति को धीरे 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 हम अपनाना शुरू कर दिया है, है? इसलिए ये जो 2000 जो अभी 22 हो रही है, ये किसके है? ये क्रिश्चियन का है, ये अंग्रेजियों का है, ये हमारी नहीं है। हमारी जो नया वर्ष है जैसे अक्षय तीज है, हैं, अक्षय तीज है, अक्षय तीज में क्या है, उस दिन कोई भी काम करेंगे तो उसका फल हमें अक्षय फल का प्राप्ति होगा। उसी दिन ठाकुर जी ये सृष्टि उन्होंने प्रारंभ उसी दिन ठाकुर जी किया है, हैं, इसलिए उनका सृष्टि अक्षय है। इसलिए ये जो नया वर्ष है वो हमारी हिंदुओं का नया वर्ष नहीं, ये क्रिश्चियन का ये नया वर्ष है। हाँ, नया वर्ष अगर पालन कर रहे हो फिर जीवन को क्या करो, हैं, जीवन क्या भगवान की भक्ति में, भगवान जीवन को भगवान नया रूप में ठाकुर जी की भक्ति करो, मतलब अपना माया को पीछे रख करके भगवान को सामने रख करके हमें क्या करनी चाहिए। जैसे अभी तक जो गंदा काम किया हैं, आज से हमें सारे गंदे काम को छोड़ देनी चाहिए और आज से हमारे नया जीवन को हमें प्रारंभ करनी चाहिए। जैसे चैतन्य भागवत में कथित जी जगाई माता है कि बड़े पाप कर्म करते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, लेकिन महाप्रभु ने, महाप्रभु बोले देखो तुम्हारे सारे पाप तो मैं ग्रहण कर सकता हूँ। बोले कब, कैसे? बोले आर यदि ना कर से शब्द आए मोर, अगर आज से अगर बोलोगे हम और ये पाप कर्म करेंगे नहीं, नहीं करके आज से हम भगवान की भक्ति करेंगे फिर मैं सारे पाप को मैं ग्रहण कर सकता हूँ। इसलिए जगाई माधाई बोले आर नहीं पाप, जगाई माधाई बोले भैया और पाप कर्म नहीं करेंगे, हैं, सारे पाप कर्म को छोड़ करके आज से हम भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देंगे। इसलिए अगर नया वर्ष अगर हम पालन करते हैं आज से क्या करो, सारी गंदी चीज को छोड़ो और अपना जीवन को नई रूप में, अपना जीवन को प्रभु का प्रेम के मार्ग में, प्रभु की भक्ति के मार्ग में, हैं, इस तरफ में अपना जीवन को शुरुआत करो, नया जीवन को शुरुआत करो। किस जीवन? भगवान की प्रेम का जीवन, भगवान की भक्ति के जीवन, हैं, जैसे गोस्वामी लोग भजन करते थे, बोले संख्या पूर्वक नाम गान नति वीर, काला बसा निकृतौ निद्रा आहार विहार विजितौ, चात्यंत जीन चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सन्मोहितौ, वंदे रूप सनातन रघुजुगौ श्रीजीव गोपाल। हमारे गोस्वामी लोग ऐसे भजन करते थे, बोले संख्या पूर्वक नाम करते थे, रोज रोज कुछ ना कुछ भगवान की भजन कीर्तन गाते थे, हैं, भगवान को प्रणाम करते थे। जैसे हम लोग जय ध्वनि देते हैं ना, जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय, नित्यलीला प्रवेशशील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय, नित्यलीला प्रवेशशील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, नित्यलीला प्रवेशशील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय, नित्यलीला प्रवेशशील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, नित्यलीला प्रवेशशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, सब परिकर गौर हरि की जय, नाम गान नति भी है। इसलिए कालावसान कीर्तव निद्रा आहार को छोड़ करके दिन रात राधा कृष्ण की लीला स्मरण में है जैसे जीवन को बिताया करते थे, अगर हम नया वर्ष पालन कर रहे हैं क्या करो, सारे पाप कर्म को छोड़ो, सारे पाप कर्म को छोड़ करके आज से क्या करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, गंदी चीज को खाना पीना छोड़ कर प्रभु की भक्ति में लग जाए, तभी नया वर्ष पालन करना सार्थकता है। ऐसे नहीं केक काटे बाजी और क्या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, पटाखा फुटाओ, हाँ पटाखा फुटाओ, ये हमारी नहीं है। हमारी हमारी जो सनातन धर्म को जो नया वर्ष है बैसाख जब शुरू होता है ना, बैसाख का जो पहला दिन है ये हमारे लिए नया वर्ष है, और इन लोगों का जनवरी का पहला दिन ये लोग नया वर्ष बनाते हैं, लेकिन हमारी बैसाख का पहला दिन हमारी नया वर्ष है। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंद।